पानीपत की औद्योगिक नगरी में युवाओं को जान का खतरा नहीं लगता। आपको मालूम ही होगा कि इस वक्त कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और सभी को कोरोना से जुड़े सभी नियमों के पालन करने को कहा जा रहा है, लेकिन इस बीच ये युवक छोटी नहर में छलांग लगाते हुए दिख रहे हैं, जिन्हें ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही कोरोना की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक या दो युवक नहीं बल्कि 15 से 20 युवक और साथ ही नाबालिग बच्चे भी इस छोटी नहर में छलांग लगा रहे हैं। जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए, ना तो इनके चेहरे पर कोई मास्क है और ना ही कोई शारीरिक दूरी का पालन कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सब प्रशासन के नियमों को दरकिनार करते हुए सीधे सीधे कोरोना महामारी के साथ मौत को निमंत्रण दे रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं DSP सतीश वत्स का कहना है कि लगातार ऐसी जगहों पर गश्त करते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो लोग नहीं मानते उनके खिलाफ 188 के तहत पर्चा भी दर्ज किया जाता है। लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं, वहीं सच्चाई इससे कोसों दूर है। आखिर प्रशासन क्या फिर किसी बड़े हादसे के इंतजार में है? आखिर कब इन मंचलों पर अंकुश लगेगा? देखिए, हर साल समस्याएं आती हैं, कई बार हादसे भी होते हैं और ये बहुत समय पहले से हिदायतें जारी की हुई हैं। जो हमारी राइडर PCR वहाँ पर होती है वो इनको रोकते हैं, लेकिन कई बार के आगे पीछे पर राइडर चले जाए तो ये लोग हरकत कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा एक विभाग और भी इरीगेशन का, जिनकी उनकी भी ड्यूटी बनती है कि उनको अपने गार्ड्स वगैरह की इस काम के लिए ड्यूटी लगाएं। पुलिस तो इस काम के लिए वहाँ पर लगी रहती है।